नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी बिहार में आने वाले समय में लाल ईंट की तलाश करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्योंकि बिहार के नीतीश सरकार ने बिहार में लाल ईंट निर्माण को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। यानी कि अब लाल ईंट निर्माण के लिए बिहार में लाइसेंस देने का काम होगा ही नहीं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी के एक होटल में आयोजित कार्यशाला में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने इस बात की घोषणा कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुराने ईंट भट्ठों पूर्व की भांति चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान राज्य में 5000 के आसपास लाल ईंट भट्ठे संचालित किए जा रहे हैं। आयोजित इस कार्यशाला के दौरान ही फ्लाई एश से निर्मित ईंटों के प्रयोग पर भी अधिक जोर दिया गया। इस मौके पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके तहत उन्होंने बताया कि धरती की ऊपरी परत काफी उपजाऊ होती है, उसे बचाना फिलहाल बहुत जरूरी है। बिहार के नीतीश सरकार के लिए ये प्राथमिकता है। मिट्टी के उपजाऊ परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है, ऐसे में मिट्टी की ऊपरी परत को बचाना बेहद जरूरी है। हाल ही में ईंट निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार एनटीपीसी को मुफ्त में 300 किलोमीटर के दायरे में ईंट भट्ठों को फ्लाई एश मुहैया कराना है। बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार घोष ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि फ्लाई एश का सही निष्पादन बहुत जरूरी है। उसका सही तरीके से निष्पादन नहीं किया गया तो इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसमें एनटीपीसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौके पर एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक एमवीआर रेड्डी ने कहा कि प्रदेश के ईंट निर्माताओं को फ्लाई ऐश उपलब्ध कराने के लिए समुचित व्यवस्था करेंगे, लेकिन अफसोस एनटीपीसी ऐसा नहीं कर रही है, जिसके बाद ही अब बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने सारा दारोमदार उठाया है, जिसके तहत ही बीते दिनों बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि अधिकांश ईंट निर्माता शिकायत कर रहे हैं कि फ्लाई एश नहीं मिल रही है। मंत्री जी ने कहा कि कई एनटीपीसी में फ्लाई एश में धांधली की शिकायत तक मिली है, इसे दूर करने की बहुत जरूरत है। अगर ईंट निर्माताओं को फ्लाई एश नहीं मिलेगी तो वो अपना प्लांट बंद कर देंगे, इससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी। बिहार में वैसे ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बढ़ते बेरोजगारी से वैसे ही बिहार का एक बड़ा तबका परेशान है। ऐसे में अगर लाल ईंट भट्ठों को बंद कर दिया गया तो इन भट्ठों में काम करने वाले सड़क पर आ जाएंगे। अब आगे इस पर क्या फैसला लिया जाता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।